विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के छठे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल यानी 14 अप्रैल 2020 को हम लोगों ने पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई। कानून का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। इसलिए मैं सभी अंबेडकरवादियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कल मोदी जी ने भी अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन किया, इसलिए मैं मोदी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं कि मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन किया, उसके लिए मैं मोदी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। देखिए, हर साल हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की बात आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। सोलापुर, नांदेड़, यहाँ ठाणे, मुंबई और कई सारे ऐसे भुसावल, जलगांव, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर न्यूनतम मिनिमम 2 से 5 करोड़ का खर्चा एक जिले का बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती का होता है। पूरे महाराष्ट्र का अगर आंकड़ा लिया जाए, 2 करोड़ भी हम लोग एक जिले की जयंती का फंड या रकम पकड़ते हैं, तब भी 36 जिलों से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 से 72 करोड़ का खर्चा सिर्फ महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पे होता है। और वो डीजे, ढोल, ताशे, फटाके, आकाश में वो सारे फटाकों का बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है 13 अप्रैल के रात से। तो एक स्टेट में, पूरे भारत के एक स्टेट में 70 करोड़ का खर्चा होता है पूरे भारत में। ये पूरा आंकड़ा अगर एवरेज पकड़ा जाए तो 500 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ मिनिमम कुछ कुछ स्टेट्स को इसमें नहीं पकड़ रहा हूं। तो फिर भी हम लोग 500 से 800 करोड़ का खर्चा सिर्फ भारत में करते हैं और पूरे विश्व में यह आंकड़ा 1500 करोड़ का जाता है। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी की एक साल की जयंती का खर्चा पूरे विश्व का मिनिमम न्यूनतम ये 1500 करोड़ का खर्चा हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती पे करते हैं और करना भी चाहिए। 1500 नहीं 15000 करोड़ का भी खर्चा अगर करने की नौबत आती है तो वो भी करनी चाहिए। लेकिन किसने करनी चाहिए, चलिए जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए उस भाषण के माया दायरे से कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती कैसे मनानी चाहिए। खुद बाबा साहब अंबेडकर जी के इस स्पीच से, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 1956 की जयंती, 1956 की जयंती बाबा साहब के मुंबई के कार्यकर्ता चाहते थे कि बाबा साहब के जो बर्थ एनिवर्सरी है वो बहुत बड़े जश्न के साथ मनाई जाए। तो ये मुंबई के कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर जी के पास आए। बाबा साहब अंबेडकर जी के पास आकर इन्होंने कहा कि बाबा साहब, हम आपके ये जो बर्थ एनिवर्सरी है, आपका जो जन्मदिन है, ये हम मनाना चाहते हैं और मुंबई में यहां पर हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो हम आपसे विनती करना चाहते कि आप उस कार्यक्रम में आए। बाबा साहब ने उन कार्यकर्ताओं को, मुंबई के कार्यकर्ताओं को मना कर दिया कि मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाता, मैं ये कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तो इन मुंबई के कार्यकर्ता मायूस हो गए, लेकिन वो उन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने क्या किया, ये बाबा साहब के नजदीकी और कोई कार्यकर्ता है या रिश्तेदार है, ये उनके पास गए और उनको उन्होंने मनाया कि आप प्लीज कृपया करके बाबा साहब को मनाइए और इस कार्यक्रम में उनको आने के लिए कही है। बाबा साहब को बहुत मनाया गया तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इस कार्यक्रम में आकर चला जाऊंगा। बाबा साहब के जन्मदिन का कार्यक्रम और बाबा साहब को ही चीफ गेस्ट उस कार्यक्रम में बनाया गया है। बाबा साहब उस कार्यक्रम में जाते हैं और उस कार्यक्रम में जो स्पीच बाबा साहब ने दिया हुआ है, यह स्पीच दरअसल ये अनटोल्ड बात भी नहीं है, ये बताई हुई बात है, जाहिर बात है, लेकिन फिर भी हम इस बात को अनदेखा कर लेते हैं। बाबा साहब अपने स्पीच के लिए खड़े हुए और बाबा साहब ने अपने स्पीच में कहा
कि मेरा जय जयकार करने के बजाय मेरा जो अधूरा रहा हुआ जो काम है उसको पूरा करो। और कैसे पूरा करो? उस काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। बाबा साहब ने उस स्पीच में हम लोगों को कहा कि मेरा जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो। पूरे विश्व में आज बाबा साहब की जयंती हम लोग मनाते हैं। 1500 करोड़ में यह आंकड़ा इसलिए आपको बताना चाहता था कि 1500 करोड़ एक साल में हम बाबा साहब की जयंती के लिए मनाते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब अंबेडकर जी की व्यवस्था को हम आज तक खड़े नहीं कर पाए। हमारे पास भारत में बाबा साहब अंबेडकर जी का ये सारी स्पीचेस राइटिंग्स बताने वाली कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है। हमारी बातें बताने के लिए हमारे पास आज कोई मीडिया नहीं है, हमारे स्कूल्स नहीं है, हमारे पास हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है। 1500 नहीं, 15000 करोड़ रुपए भी अगर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए अगर लगते हैं तो 15000 करोड़ रुपए भी लगाकर हमको बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन किसने मनानी चाहिए? जो बाबा साहब के अधूरे रहे हुए काम को पूरा करने की जो कोशिश करता है उसने बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। वरना हमारे यहां पर जयंती मनाते हैं, शराब पीकर डीजे में नाचते हैं, ऐसे लोग भी बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, दूसरे दिन गणेश के चरणों में जाते हैं, ब्रह्मा के चरणों में जाते हैं, ऐसे लोग भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ब्राह्मणों को घर में बुलाकर उनसे होम हवन करवाते हैं, ऐसे लोग भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। क्या इन लोगों को बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है? ऐसे लोगों को डीजे लगाकर ढोल ताशे बजवाकर नाचने का अधिकार है? और इसलिए मैं ये बात आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बाबा साहब ने अपने जयंती के लिए, अपने जन्मदिन के लिए खुद कहा कि मेरा जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो और उसको पूरा करते समय अपनी जान की बाजी लगा दो। और इसलिए 1200-1500 करोड़ नहीं, 15000 करोड़ रुपए भी अगर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लगता है तो हम वो देने के लिए, वो खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे दिन से बाबा साहब के अधूरे रहे हुए काम करने के लिए जो तैयार है, ऐसे ही लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। ये राइटिंग एंड स्पीचेस के 18वें खंड के तीसरे भाग में से ये स्पीच, पूरा स्पीच वहां पर लिखा हुआ है और यही बात मैं आज आप लोगों को बताने के लिए अनटोल्ड अंबेडकर में मैंने ये टॉपिक चुना। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।